आज बतारीख 14 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को 10 बजे दिन में मरहूम हाशिम अली वालद गुलाम हैदर के इशाले स्वाब की 40वीं की मजलिस को पागंज सदर इमाम बड़ा मोहल्ला फुलेलपुरा में अंजुमन सज्जादिया ने एक मजलिस का आयोजन किया, जिसको लखनऊ से आए हुए मौलाना मिर्जा जाफर अब्बास साहब ने संबोधित किया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि मोहम्मद सा और उनके औल के किरदार को और तलिमात को बयान किया जाता है और इमाम हुसैन असा मोहम्मद सा के नवासे थे। उनको करबला में बहुत ही बेरहमी से शहीद किया गया था। उनका जिक्र होता है और अल्लाह ने जो सवाब हमें देता है हम अपने मरहूम को इशाले स्वाब कर देते हैं। लखनऊ से ताल्लुक रखता हूँ और आप हजरात में से बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे, सरकारी फखरुनुमा अलीना मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब आलम मकाम हूँ, वो मेरे वालिद बुजुर्गवार थे जिन्होंने लखनऊ की सरजमीन पर एक आलीशान हौज़े इल्मिया मदरसा जामे तबलीग के नाम से खोला है और इसकी बिना उन्होंने आज से तकरीबन 50 साल से ज़ायद हो चुके डाली थी और इस इलाके के यानी आज़मगढ़ ज़िले के काफ़ी तुल्लाब वहाँ ज़ेर तालीम रहे और इस वक्त वहाँ से फारिग हो गए आला तालीम के लिए ईरान इराक और सीरिया गए और उसके बाद वहाँ से इल्म हासिल करके आए और अपनी आबादियों और अपनी बस्तियों में जो है वो दीनी तालीम और लोगों के अखलाक को सही करने का काम अंजाम दिया। आज किस पर्पस से आपको कोपागंज जाना हुआ है? जी मैं यहाँ एक मरहूम मकबूल जनाब हाशिम अली साहब का इंतकाल हुआ था, आज उनके 40वें की मजलिस थी, उस मजलिस को मैं पढ़ने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ था। जैसा कि आप हजरात के इल्म में होगा कि हम फ़िक़्हे जाफ़रिया पर अमल करने वाले अपने मरहूमीन को भूल नहीं जाते, अपने मरने वालों को, बल्कि उनके साथ उनके लिए पुण्य काम करके इसाले सवाब करते हैं, अच्छे काम करके। उन्हीं अच्छे कामों में एक मजलिस इमाम हुसैन है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की जो किरदार है तालीमात है उसे बयान किया जाता है और इमाम हुसैन सलातुस्सलाम जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे उनको बड़े ही जुल्म और जौर के साथ करबला में शहीद किया गया था और उनका जिक्र होता है और उसका जो अल्लाह हमें सवाब देता है हम अपने मरहूमीन को ईसाल कर देते हैं, उन्हें भेज देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं अय्याम फातिमिया चल रहा है, तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? अय्याम अज़ाए फातिमिया जो सारी दुनिया शियत में पूरी दुनिया में इस वक्त शिया फ़िका पे अमल करने वाले तमामी हजरात जो हैं वो रसूल की इकलौती बेटी सिद्दीक़ ताहरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के मौके पर मजालिस का इनेकाद कर रहे हैं और अपने खामोशी का इजहार कर रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि हुजूर ख़त्म मर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं सिद्दीक़ ताहरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जबकि मुसलमानों से दोहरा रिश्ता है बीबी ज़हरा का, एक तो रसूल की बेटी है, दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि रसूल की वफ़ात के थोड़े दिनों के बाद कुछ नाम नेहाद मुसलमानों ने उनके घर में आग लगाई और जलता हुआ दरवाज़ा उनके ऊपर गिराया और वो उसी तकलीफ़ से जो जलता हुआ दरवाज़ा उनके ऊपर गिराया गया था उनकी पसलियाँ टूट गई और उसके बाद वो थोड़े दिन जिंदा रहीं और उसके बाद फिर इस दुनिया फानी से रुख्सत हो गई। बीवी ज़हरा ने एहतजाजन उन अफराद के सलाम का जवाब भी नहीं दिया कि जिन्होंने बीवी ज़हरा को अज़ियत दी थी, उनके शोहर के हक़ को गज़ब किया था और उनके ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया था। हम इसी के खिलाफ जो है वो अपना एहतजाज करते हैं मजलिसों की शक्ल में और हम लोगों से सवाल करते हैं कि वो ये हमें बताएं, बिलखसूस जो मुसलमान भाई हमारे हैं वो कभी गौर करें कि रसूल की बेटी की उम्र 18 साल की थी और इस 18 साल की उम्र में रसूल की बेटी लकड़ी का सहारा लेके चल रही है। क्या वजह थी कि रसूल की बेटी लकड़ी का सहारा लेके चल रही है? क्या वजह थी कि रसूल की बेटी ये कह रही है बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों में पड़ती तो हम इस रात के तारीख हो जाते? क्या वजह थी कि बाज़ मुसलमानों के सलाम का जवाब रसूल की बेटी ने नहीं दिया? आज हमें इस सब के बारे में
मालूमात करना चाहिए है और मालूमात करके हम सही अफराद तक पहुँचें कि कौन ऐसे लोग थे कि जिन्होंने रसूल की बेटी को अजियत दी। याद रखिए, जो रसूल की बेटी के ना होगा वो मिल्लत इस्लामिया का क्या होगा, हमारा और आपका क्या होगा। इस पर सभी को हम दावत फिक्र देते हैं।